हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कम विद मी। बाबा फरीद मेला 2022 के फोर्थ डे में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये सफ़र बहुत पसंद आ रहा है, और प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह से मेरे सफ़र को लाइक कर रहे हैं, और कमेंट पर ही मत रुक जाइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। डे फोर में दोस्तों हम जा रहे हैं फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखने और पेंटिंग वर्कशॉप देखने, और साथ में स्पोर्ट्स के कुछ पल भी देखेंगे। लेकिन बिल्कुल एंड में खास चीज़ आएगी, और वो खास चीज़ कि मेरी बेटियां मेरे साथ कहाँ कहाँ गई। सो दोस्तों, करते हैं आज का दिन शुरू कम विद मी। डे फोर की शुरुआत की हमने हमारे फरीदकोट की शान बीट सोसाइटी, ना सिर्फ फरीदकोट बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस बीट सोसाइटी, उनके द्वारा लगाई गई फोटोग्राफी प्रदर्शनी या फोटोग्राफी एग्जीबिशन से। दोस्तों, ये है रिसाइकल गार्डन का एक नमूना। अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए, बीट सोसाइटी जो है बर्ड्स और एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेटेड एक सोसाइटी है, और पिछले लंबे समय से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आइए अब आपके लिए लाते हैं हम पेंटिंग वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में कुछ जान पहचान के साथी भी मिले जिनकी पेंटिंग्स वहां पे देखने लायक थी। आइए आप भी मेरे साथ एंजॉय करें इन पेंटिंग्स को। आइए देखिए कि कलाकार साथी से बातें करने पे हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा दी गई। जी पेंटिंग देख रहे हो, यही सा जो ट्रेडिशनल आर्ट, पुरातन जी चित्रकारी सी, मिनीएचर, जो पूरे वर्ल्ड के इंडियन आर्ट के नाते फेमस है, उस आर्ट के तहत असं एक बाबा फरीद जी की पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। ये जी कलर वरते गए ने वो सारे नैचुरल स्टोन पिगमेंट्स ने, जेडे कीमती पत्थरों पीस के उन्होंने रंग तैयार किए जाते हैं। और जोड़ा ये पेपर यूज किया गया वो हैंडमेड पेपर है, जो हाथ न बना के और सदियों तक यदि जी लाइफ रहती है। और दूसरा ये देख रहे हो जो गोल्ड चमक रहा है, ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड है, सोना है, जिन्होंने असं एक आप तकनीक ये पेस्ट करते हैं। तो ये जिनी भी पेंटिंग है ये सारी मिनीएचर पेंटिंग दे इंडियन आर्ट को रिप्रजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड। हम कंप्लीट हो चुकी है जी, ये हजे चल रही है जी, ये तकरीबन वर्क करो। हाँ जी, मैं दसदा कि ये जो नैचुरल स्टोन पिगमेंट्स ने जो असं पत्थरों पीस के रंग बनाने, इन्हों एक बार फ्लैट फिल कर फिर यदि कटाई होंगी है जी, हकीक न एक स्पैशल पत्थर है जिद चंकी तरह घोटाया जाता ताकि ये समूथ हो जाए, और ये उपर जो काम होना
वो होर समूथ हो जाए क्योंकि काफ़ी बरीकी का काम होने करके इन जिन्ना चिकर तुम समूथ नहीं करते उन्ना चिकर ये लाइन नहीं बनती जी। इस करके एक बार ये समूथ करके फिर ये उपर वर्क किया जाए। सही है दोस्तों, पेंटिंग को देखना, उसकी प्रशंसा करनी बहुत ही आसान है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है ये आज पता चला। और फिर हमने अपना रुख किया हॉकी ग्राउंड की तरफ और वहां पे चल रहे मैच का आनंद लिया। और कबड्डी के बिना तो कोई भी पंजाबी मेला अधूरा है, वो पूरा हो ही नहीं सकता। लाइटवेट में अलग अलग गांव से आई टीम्स का मैच चल रहा था जिसका हमने आनंद लिया। खिलाड़ियों का जोश देखने वाला था। क्योंकि फुटबॉल मैच शुरू होने में कुछ समय लगना था इसलिए हमने सिर्फ वार्म अप्स उनके देखे। और हाँ दोस्तों, ये देखिए रूहिका और युविका मेरी डॉटर्स। पहले तो हम हॉकी का मैच देखने गए क्योंकि युविका में आर्टिस्ट वाली पूरी बातें हैं, इसलिए उसे पेंटिंग वर्कशॉप में ले जाना मुझे ज़रूरी लगा। पेंटिंग्स देखते हुए उनकी एक्साइटमेंट देखना वो देखने लायक थी। और फिर डे एंड होने से पहले हम पहुँच गए बुक्स फेयर में। ये था डे 4 दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर से मिलेंगे डे 5 में बाबा शेख फरीद मेला 2022 में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, कम विद मी।